Hello friends, welcome to my channel, and today we are going to study another short story jiska title hai A Rose for Emily. Ye short story ek American author ne likhi hai, William Faulkner ne, April 30, 1930 mein. To chaliye friends, ye story ke characters ke bare mein dekh lete hain. To pehla jo character hai wo hai Emily Grayson. ये वो है, इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट है, ये वो है जिस पे ये स्टोरी है, अ रोज़ फॉर इमली. सेकंड जो कैरेक्टर है वो है मिस्टर ग्रेसन, इमली के फादर है ये. और जो थर्ड कैरेक्टर है वो है होमर बैरन, ये वो है जिससे इमली शादी करना चाहती थी. तो फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू होती है, एक नैरेटर है जो ये स्टोरी को बताता है कि इमली ग्रेसन जो है उसके साथ क्या क्या होता है, उसकी पूरी लाइफ में क्या क्या होता है, वो जो नैरेटर है वो बताता है हमें. तो स्टोरी शुरू होती है जेफरसन मिसिसिपी में, ये एक टाउन है. सो इमली ग्रेसन जो है वो 74 ईयर्स की है और उसका डेथ हो गया है, उसकी डेड बॉडी है उसके घर में. और जेफरसन मिसिसिपी के जो उस टाउन के जो लोग हैं वो लोग उसके फ्यूनरल में जा रहे होते हैं. और तो अब जो ये इमली ग्रेसन है, इसकी 74 ईयर्स के उम्र में डेथ हो चुकी है. तो जो हमारा नैरेटर है वो बताता है कि जब ये ज़िंदा थी तो ये इसकी पूरी लाइफ कैसी थी, ये पूरी अपने लाइफ में ये कैसे रहती थी, क्या क्या करती थी, ये सब उस वो जो नैरेटर था वो बताता है. तो इमली ग्रेसन जब ज़िंदा थी, कोई भी नहीं जानता कि ये कहाँ रहती है, क्या करती है, दिन भर क्या करती है. इसके घर में किसी को भी जाना अलाउ नहीं, बस कुछ बच्चों को छोड़ के, जो कि मतलब चाइना की जो पेंटिंग होती है, एक जो प्लेट पे बनाते हैं आर्ट पेंटिंग, एक वो कुछ लड़कियों को ये सिखाती थी. तो बस वही लड़कियाँ इसके घर में जाती थी और कोई नहीं जाता था इसके घर में, कोई भी अलाउड नहीं था इसके घर में जाना. और काफ़ी अकेले रहती है ये, मतलब किसी से उतना बात नहीं करती, किसी से भी कहीं भी जाती नहीं, दिन भर क्या करती है क्या नहीं कुछ भी किसी को नहीं पता होता, और अकेला एकदम अलोन रहती है हमेशा ये. तो अब जो ये इमली ग्रेसन है, इसकी 74 ईयर्स के उम्र में डेथ हो चुकी है. तो जो हमारा नैरेटर है वो बताता है कि जब ये ज़िंदा थी तो ये इसकी पूरी लाइफ कैसी थी, ये पूरी अपने लाइफ में ये कैसे रहती थी, क्या क्या करती थी, ये सब उस वो जो नैरेटर था वो बताता है. सो ये जो स्टोरी है वो शुरू होती है, नैरेटर बताता है कि ये और इसके फादर बस रहते थे. और इसके जो फादर थे वो काफ़ी एरिस्टोक्रेट फैमिली से थे, काफ़ी मतलब रिच फैमिली से थे. और इसके घर में बस यही बचे थे, ये और इसके फादर. और जब ये इमली ग्रेसन जो थी वो 30 इयर्स की थी, तब तक बहुत इसके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, बहुत मतलब बहुत रिश्ते आते थे. लेकिन इसके जो फादर हैं मिस्टर ग्रेसन, वो सबको रिजेक्ट कर देते थे कि नहीं, कोई हमारे लेवल का नहीं है. एक्चुअली इन लोगों को बहुत मतलब घमंड था कि हम लोग बहुत एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करते हैं वगैरह. तो अब जब ये इमली ग्रेसन जो है, ये जब 30 ईयर्स की हो गई तो इसके फादर की डेथ हो जाती है और इसके लिए रिश्ते भी आना एकदम बंद हो जाते. तो इसके फादर का जब डेथ हुआ तो इसको काफ़ी सदमा लगा, ये एकदम मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये इसके फादर की डेथ हो गई है. ये 3 दिन तक अपने फादर की डेड बॉडी को रखी थी और मतलब नहीं मानने को रेडी थी. इसको लग रहा था कि अभी ज़िंदा है वो और अभी भी मतलब पहले जैसा ही सब है, वो मतलब ये चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी और मानने को रेडी नहीं थी. फिर उसके बाद लोगों के कहने पर वो उसके फादर का फ्यूनरल होता है और फिर उसे दफनाया जाता है. उसके बाद फिर ये एकदम अकेली हो जाती है, एकदम अलोन हो जाती है, किसी से भी बात नहीं करती, हमेशा खुद में रहती है और एकदम अपने घर में रहती है, हमेशा बंद, किसी से भी बात नहीं करती ज़्यादा, एकदम अलोन, एकदम आइसोलेटेड रहती थी. तो अब कुछ टाइम के बाद जेफरसन मिसिसिपी में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलना शुरू हो जाता है. और वहीं पर एक नॉर्थ से एक लेबरर आता है, होमर बैरन. ये एक नॉर्थ का आदमी, मतलब ये लोग साउथ में रहते थे और वो ये नॉर्थ से आता था. तो काफ़ी खुली सोच का था और काफ़ी नई सोच का था और काफ़ी टॉल था, हैंडसम था और आइज़ इसकी बहुत प्यारी आइज़ थी, नेचर भी बहुत अच्छा था इसका और लोग इसकी बातों से मतलब अट्रैक्ट हो जाते थे. तो हमारी जो ये इमली ग्रेसन जो थी, ये भी 30 ईयर्स के अराउंड थी और ये भी इससे अट्रैक्ट हो गई
और ये लोग साथ में अब घूमने जाने लगे, साथ में बातें बातें करने लगे। तब जो उस टाउन के लोग थे, जेफरसन मिसिसिपी के जो लोग थे, वो लोग को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी कि जो हमारी इमिग्रेशन जो थी वो मतलब काफ़ी हाई क्लास सोसाइटी की लोग थी, और ये जो होमर बैरन था ये काफ़ी लो था, लो क्लास का था, ये लोग एक लेवल के नहीं थे। तो ये लोग को, टाउन के लोगों को ये सब अच्छे नहीं लगते। वो लोग, टाउन के लोग ये सब बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये जो इमली ग्रियसन थी ये शादी करे उससे, होमर बैरन से। तो टाउन के लोग क्या किए कि ये लोग उसके कुछ कज़न्स को बुला दिए इमली ग्रियसन के घर, मतलब वो कज़न्स बगल के टाउन में रहते थे, तो वहाँ से ये लोग को बुला दिए। और अब जब कज़न्स आ गए इमली ग्रियसन के घर पे, तो ये जो होमर बैरन था ये अब उसके घर पे नहीं जा पा रहा था। 3 दिन तक ये लोग नहीं मिल पाए, और फिर 3 दिन के बाद जब ये कज़न्स गए वापस उसके घर से, तो ये होमर बैरन उसके घर आ जाता है, और ये लोग फिर बातें बातें करने लगते हैं। फिर तभी इमली ग्रेसन उसे शादी के लिए प्रपोज करती है कि विल यू मैरी मी, तो वो मना कर देता है, बोलता है कि नहीं, मैं बहुत खुली सोच का इंसान हूँ, मुझे ये शादी वादी के चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे नहीं करनी शादी। तो इस बात का इमली ग्रेसन को बहुत धक्का लगता है, और ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, बहुत ज़्यादा अलोन हो जाती है, और ज़्यादा आइसोलेटेड हो जाती है वो। और फिर तो कुछ दिनों के बाद इमली ग्रेसन को लोगों ने पाया कि वो एक फार्मेसी की शॉप पे पॉइजन खरीद रही है। और जब हम लोग जब भी पॉइजन खरीदते हैं तो हमें रीज़न बताना होता है कि हम वो पॉइजन का क्या करेंगे, हम लोग क्यों खरीद रहे हैं। लेकिन ये जो इमली ग्रेसन जो थी वो नहीं बताती है, और वो ये ऐसा बोलती है कि मैं इतनी बड़ी एरिस्टोक्रेट फैमिली की हूँ और मैं ये बताना ज़रूरी नहीं समझती कि मैं क्या करूँगी इस पॉइजन का, और फिर वो लेके चली जाती है। तो कुछ टाइम के बाद उसके घर से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लगती है, बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आने लगती है, और बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं रीज़न जानने के लिए क्यों बदबू आ रही है। तो जज स्टीवंस थे उस टाइम के, कर्नल थे, वो भी आते हैं, और वो ये ऑर्डर देते हैं कि इसके घर के चारों तरफ लाइम स्प्रिंकल करा दिया जाए ताकि स्मेल आनी कम हो जाए, बंद हो जाए, और फिर ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद, उसके घर पर कुछ लोग जाते हैं टैक्स लेने के लिए, लेकिन वो टैक्स देने से रिफ्यूज़ कर देती है। वो ऐसा बोलती है कि मैं काफ़ी एरिस्टोक्रेट फैमिली की हूँ, काफ़ी रिच फैमिली की हूँ, तो मैं टैक्स वगैरह नहीं दूंगी। तो उस टाइम एक और मेयर थे, कर्नल सैटरस, ये उन लोगों को समझाते हैं कि नहीं, इसके जो फादर थे मिस्टर ग्रियसन, ये इस टाउन को बचाने के लिए बहुत सारा पैसा दिए हुए थे, तो इस लड़की को, मिस इमली ग्रियसन को, टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस इमली ग्रेसन जो थी ये और ज़्यादा घमंड में आ जाती है, घमंडी तो ये थी ही, और भी ज़्यादा घमंड में आ जाती है और टैक्स नहीं देती है। फिर कुछ टाइम के बाद फिर से वो लोग दोबारा टैक्स लेने जाते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं देती है। और फिर अब लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा कि ये बहुत घमंडी है, और मतलब ये अपने बारे में किसी को ज़्यादा बताती नहीं है, काफ़ी अपने आप को मिस्टीरियस रखती है और किसी से बात नहीं करती उतना। तो फिर धीरे धीरे ये बूढ़ी होने लगी, और फिर उसके बाद ये मर गई, और फिर यहीं से हमारी स्टोरी शुरू हुई थी कि ये मर गई थी। तो जब ये मर जाती है तो लोग इसके फ्यूनरल पे आते हैं, तो उसके घर पे तो ये लोग पहली बार जाते हैं, तो लोग काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि आखिर इसके घर में क्या है, इसका घर कैसा है, उसके घर देखने के लिए काफ़ी क्यूरियस होते हैं। तो लोग जाते हैं उसके घर में, उसका रूम में जाते हैं सब लोग, और उसका बेडरूम में जाते हैं, तो वो लोग सब शॉक्ड हो जाते हैं देख के कि उसके बेडरूम में एक डेड बॉडी पड़ी रहती है, एक सड़ी गली डेड बॉडी। वो डेड बॉडी होती है होमर बैरन की। हाँ जी, होमर बैरन वही जिससे एमिली ग्रेसन ने जिसे शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन उसने मना कर दिया था, तो इसलिए एमिली ग्रेसन ने उसे मार दिया। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई होगी, और वो इस बात का बहुत घमंड होगा कि इसने मुझे कैसे मना कर दिया, और फिर उसने उसे मार दिया। और उसका रूम पूरा वैसे ही सजा था, तकिया लगा था उस पर जो होमर बैरन की डेड बॉडी थी, सड़ी गली डेड बॉडी, बहुत डेड बॉडी वो वैसे ही रखी हुई थी, सोया हुआ था, और पूरा रूम सजा हुआ जैसे एक मैरिड कपल की लाइफ होती है, मैरिड कपल का रूम होता है, एकदम वैसे ही रूम पूरा सजा हुआ था। पूरे रूम में होमर बैरन के कपड़े भी थे, बहुत सारे गिफ्ट्स रखे थे जो एमिली जो थी वो होमर बैरन को देने के लिए खरीदी थी, और वो
उसी रूम में वो सोया करती थी, उसके साथ ही वो डेड बॉडी सड़ी गली डेड बॉडी के साथ ही सोया करती थी। और एकदम जैसा कपल का रूम होता है वैसे ही उन लोगों का रूम सजा हुआ, लेकिन बस वही कि वो जो होमर बैरन की डेड बॉडी थी वो थी बेड पे। सो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। और कैसी लगी आज की स्टोरी, और कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर दें। एंड थैंक यू।